हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक ऐसा ट्रिक हेयर ग्रोथ के लिए जो काफ़ी फास्ट होने वाला है, और इसे यूज़ करना है आपको वीक में सिर्फ दो बार। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आपको वीक में दो बार यूज़ करना है, और इसका रिजल्ट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसका रिजल्ट आपको 8 दिन में या फिर 2 हफ्ते में मिलने वाला है। रिजल्ट तो धीरे धीरे आपका मिलने लगेगा, 1 से 2 बार की में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो रियल रिजल्ट होगा वो आपको 1 महीने बाद मिलने वाला है। जो भी देसी नुस्खे आप यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट थोड़ा सा धीरे मिलता है, लेकिन 100% श्योर होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हमने एक ऑनियन जूस और कस्टर्ड ऑयल को मिला करके एक ऐसा ऑयल बनाया हुआ है जिसे हमने बालों में मसाज करना है। तो इस वीडियो में हम शुरू से लास्ट तक देखने वाले हैं कि हमें पहले इसको मिलाना कैसे है और किन किन चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल इसमें मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का हमने यूज़ किया है। एक है ऑनियन जूस, जो चूँकि इसकी वीडियो मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कि हमको ऑनियन जूस बनाना कैसे और आपके अपने स्कैल्प यानी हेयर के स्कैल्प में यूज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि कैस्टर ऑयल के साथ हम ऑनियन जूस को कैसे हम मिक्स कर सकते हैं और उसको कैसे अपने स्कैल्प पे हम लगाएंगे और किस तरह से हमें मसाज करना है। तो फिर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अभी जो बेनिफिट चैनल वीडियोज़ होंगे आपको हर दिन आपको नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको लगता है कि काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर आप देख सकते हैं मैंने लिया है कस्टर्ड ऑयल, जो काफ़ी प्योर कस्टर्ड ऑयल है, ये कोल्ड फ्रेश का है। ये पहले ही मैंने आपको कई वीडियो में शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो आज मैं कस्टर्ड ऑयल के साथ ऑनियन जूस में किस तरह से मिक्स करके इसे यूज़ करते हैं ये बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऑनियन जूस ले लिया है। ऑनियन जूस कैसे बनाना है आप मेरे अदर से वीडियो में आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लगभग एक ऑनियन करीब एक प्याज का जूस मैंने निकाला हुआ है, जो प्याज मीडियम साइज़ का। इससे कलर पर मत जाइएगा, ऑनियन जूस का ओरिजिनल कलर यही होता है, बिल्कुल वाइट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये जूस है पानी नहीं है। अब मैंने इसमें लिया ये, चूँकि बड़ा चम्मच हमने लिया है तो बहुत भर के हम तेल नहीं लेंगे, थोड़ा सा कम ही लेंगे। अगर आपके पास छोटा चम्मच है तो आप छोटा चम्मच से 1 चम्मच तेल इसमें कस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें आप देख सकते हैं कितना ये थिक है, कितना मोटा है। तो कभी भी कस्टर्ड ऑयल को हमें किसी चीज़ के साथ मिक्स करके यूज़ करना होता है। तो आज हम इसको ऑनियन जूस के साथ कैसे यूज़ करना वो हम देख रहे हैं। तो पहले मैंने चम्मच से सारे कस्टर्ड ऑयल को मैंने ऑनियन जूस में डाल दिया है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जब पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। देखिए, 1-2 बार मिक्स करने से भी आपका जो कस्टर्ड ऑयल है वो अलग है और जो जूस है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसलिए हमें इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक तरह से मिक्स हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है हमारे बालों पे मसाज करने की स्कैल्प पे। अब बात ये है कि अब इसको स्कैल्प पे यूज़ कैसे करना था। मैंने इस तरह से कॉटन ले लिया है, मैंने ये कॉटन लिया है वो बाती जो हम दीपक के लिए जलाते हैं, इससे काफ़ी आसानी होती है मुझे, ताकि इसको बाती की तरफ पकड़ के मैं आसानी से उसको बालों में लगा सकती हूँ। तो पहले हमें लेना है, अपने बालों को कंघी कर लेना है और 2 हिस्सों में बांट देना है बालों को। उसके बाद एक एक मांग करके हमें इसी जूस को अपने स्कैल्प पे यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 हिस्से में बालों को कर लिया है अच्छे से। अब इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं हम वो देखते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें लगा लिया है कॉटन से। जब हम कोई भी ऑयल या फिर जूस अपने बाल में लगाते हैं तो ठीक अच्छी तरह से जाता है। अभी थोड़ा सा आगे बह रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जूस कोई भी ऑयल सर पे अगर लगाना है, मसाज कर रहे हो और या फिर हेयर ग्रोथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको मांग से इस तरह से बालों पे लगाना ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। इससे आपके पूरे स्कैल्प यानी पूरे सर पे स्कैल्प पे अच्छे से लग जाता है, और उसको मसाज करने के बाद काफ़ी अच्छे से अंदर तक इसके जूस मशहूर जाते हैं, जिससे हमारे बाल रीग्रोथ होते हैं। अगर बाल हमारे काफ़ी बीच से टूट गए हैं या फिर काफ़ी बाल टूट रहे हैं हमारे, तो भी रीग्रोथ होते हैं। बाल बढ़ते नहीं हैं तो भी जल्दी से बढ़ जाते हैं। इस तरह से हमें आगे पीछे साइड से हर तरह से
हमें इसको जो अपने जूस को अपने बालों पे यानी स्काल्प पे अप्लाई करना है, बल्कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको हम अप्लाई बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे करना है। ज़्यादा हार्डली हम कमें कभी भी ऑयल या जूस अपने हेयर सर पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो मैंने पूरे सर पे अप्लाई कर लिया है, जो बचे हुए जूस थे वो मैंने थोड़े से कॉटन से ही बीच बीच में जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे बाल जहाँ से झड़ चुके हैं, फिर काफ़ी झड़ रहे थे बाल, वहाँ अप्लाई करने के बाद हमें अच्छे से 5 से 7 मिनट अपने बालों का मसाज करना है। और मसाज हमेशा अपने उंगलियों से करना चाहिए और काफ़ी हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए, काफ़ी हार्डली बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बालों में तेल लगाते हैं तो जड़ों में जब मसाज करते हैं तो बाल टूटने का डर होता है, इसलिए काफ़ी हल्के हाथों से मसाज हमें करना होता है। तो देखिए हमने मसाज अच्छे से कर लिया है। मसाज करने के बाद जो हमारे बचे हुए जूस थे उसे हमें कैसे अप्लाई करना है अपने लेंथ पे आगे वो देखेंगे हम। तो लेंथ पे अप्लाई करने के लिए पूरे बालों को हमें आगे कर लेना है और उसको दो भागों में हिस्से में बांटना है। जो दो भागों में बांटो उसे हमें दो हिस्से में बांटना, चूँकि मेरे बाल कम है तो मैं दो हिस्से में बांट रही हूँ। आपके बाल ज़्यादा हैवी हैं, ज़्यादा घने हैं, तो उसको कई हिस्सों में बांट के थोड़े थोड़े बाल ले करके आप उस पर लेंथ पर अप्लाई करिए। बालों को ग्रोथ के लिए लेंथ पे स्काल्प के साथ साथ लेंथ पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे वीडियोस में दिखाते हैं कि सिर्फ स्काल्प पे लगाना ज़रूरी है, लेंथ पे कोई ज़रूरी नहीं होता, बट मैं मानती हूँ कि अगर हमें बालों पे मसाज कर रहे हैं तो स्काल्प के साथ साथ लेंथ पे भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे बाल दो मुहे नहीं होते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अगर मेरे इस तरह से बताए हुए टिप्स अगर आप अपने बालों पे ऑनियन जूस के साथ कस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं तो 100% श्योर है 1 महीने के अंदर रिजल्ट, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो रिजल्ट आपको 1 से 2 बार में ही मिल जाएगा, और अगर आपके बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं तो ये आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट इसका दिखेगा कि कैसे आपके बाल काफ़ी जल्दी बढ़ेंगे, काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ आपके बाल कम होंगे वहाँ थोड़ा सा और अप्लाई करके अच्छे से आप मसाज कर देना, फिर देख के इसका जादू कितना अच्छा आपके बाल बढ़ जाते हैं। मेरे बाल हल्के हैं, मैं हमेशा ही अपने पर्सनालिटी के अनुसार छोटे बाल रखती हूँ, तो इसलिए आप बिल्कुल मत जाइएगा कि मेरे बाल छोटे हैं। अब इसको बालों पे अप्लाई करने के बाद बालों का बन बना लेंगे आप हल्के से, काफ़ी टाइट बन नहीं बनाया जाता, हल्का बन बना के कोई क्लचर है फिर जो रबड़ बैंड में जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगता है सावर कैप लगाने की ज़रूरत है तो आप सावर कैप भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी मेरी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।